केंद्र शिवराज सिंह चौहान ने जनजातीय कलाकारों को अपने निवास पर नाश्ते के लिए बुलाया। संघ में किया नाश्ता, उनसे की चर्चा। सीएम ने कहा, मेरे जनजाति समुदाय के लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, स्वावलंबन की, रोजगार की, अपने जीवन को ठीक ढंग से जीने के लिए मैं गारंटी देता हूँ। पद्मश्री की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी एक पुरस्कार स्थापित किया जाएगा, जो जनजाति समुदाय के नृत्य, संगीत और अन्य कलाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कलाकारों को प्रदान किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर दिया जाएगा पुरस्कार। और बहुत से हम ये करें कि 1 नवंबर मध्य प्रदेश दिवस के दिन को सम्मानित करें। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विद्यासागर महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। साथ ही विधायक संजय यादव के बेटे को उनके घर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। जबलपुर के शिवानी महाजन ने मिस नेशन का खिताब जीतकर मध्य प्रदेश का नाम किया रोशन। नागपुर में आयोजित मिस नेशन ब्यूटी कॉन्टेस्ट 2021 में लिया था भाग। मैं अपना ये पूरा क्रेडिट जो है अपनी मम्मी को देना चाहती हूँ और अपने पापा को देना चाहती हूँ। पूर्व शहर कांग्रेस प्रवक्ता ओम घुरैया ने अपने समर्थकों के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को अवगत कराते हुए माफियाओं के खिलाफ शिकायत की और रजिस्ट्री करा के और भोले भाले लोगों को लाखों रुपए में प्लाट बेचे जा रहे हैं, जिसका हमने आज जनसुनवाई में भी इसका हमने आवेदन दिया है और शिकायत की है। अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाशों से करीब 16 लाख रुपए की 4 पहिया वाहन और सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए। इन सब पूछताछ लगातार की जा रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी और भी वारदातों का खुलासा होगा। टीकमगढ़ के अपर कलेक्टर की कार की भिड़ंत, सागर से आ रहे ट्रक से हुई आमने सामने भिड़ंत। घायल अपर कलेक्टर और ट्रक चालक को जिला अस्पताल में किया भर्ती। उनका बेसिक उपचार कर लिया गया है, के लिए के बाद आवश्यकता। मामूली विवाद में दोस्त ने की कुल्हाड़ी मारकर हत्या, पुलिस ने किया मामला दर्ज। बैतूल कोतवाली का है मामला, आरोपी की तलाश शुरू। मृतक में जो आरोपी पक्ष है उसमें से एक जो आकाश है उसको कुल्हाड़ी लगी हुई है। पुलिस अभिरक्षा से फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अस्पताल में इलाज के दौरान भाग निकला था आरोपी। आरोपी पर लूट और डकैती के मामले हैं दर्ज। में हम अभी जांच कर रहे हैं कि किसकी लापरवाही थी या कि इनके आनों से हुआ था ऐसा, और उसके पश्चात हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। मनावर में स्थापित एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल का विधायक हीरा लाल अलावा ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एकलव्य विद्यालय की स्थापना से आदिवासी समाज के छात्र छात्राओं की शिक्षा का स्तर ऊंचा बढ़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज यहाँ पर फाउंडिंग स्टोन, लेइंग स्टोन रखा गया है, वर्चुअल अनावरण किया गया है। गंजबासोता पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ, पूर्व विधायक और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निशंक जैन की बेटी के समारोह में हुए शामिल। दौरे पर पहुंचे छिंदवाड़ा, स्वयं सेवी और समाज सेवी संस्थाओं के कार्यक्रमों में की शिरकत। पिछले दौरे में आपने देखा था कितनी भारी संख्या में हमारे किसान भाई मेरी रैली में शामिल हुए। फर्टिलाइजर की कमी, मक्का का सही भाव नहीं मिलना, खाद और बीज सही दामों के नहीं मिलना, काला बाजारी खुले आम हो रही है। घर में 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली सफलता। बदमाशों के पास से 4 पिस्टल, 11 देशी कट्टे और कारतूस भी किए जब्त। आज धार पुलिस सभागृह में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें हमारी साइबर ब्रांच की, साइबर क्राइम ब्रांच की टीम और मनावर की संयुक्त कार्रवाई जिसमें 11। बुलंदशहर में गुलाबटी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 14 डकैतों को किया गिरफ्तार, हथियार और वाहन भी किए जब्त। राष्ट्रीय जनजाति दिवस के अवसर पर जनजाति समाज द्वारा निकाला गया भव्य चल समारोह। लालबाग घोड़ा चौपाटी से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरा चल समारोह।
कोठी में एससीसी सीमेंट कंपनी के प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच बांधा जा रहा विवाद। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने कंपनी के प्रबंधन पर मनमानी करने का लगाया आरोप। कोई गुट रचित दस्तावेज के संबंध में गणेश राव जी ने आवेदन दिया था थाने में, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके लिए उनके द्वारा माननीय न्यायालय में भी परिवाद पेश किया गया है। बड़वानी में शख्स ने बहरीमी से की पत्नी की हत्या। चरित्र शंका पर आरोपी ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। प्रदेश में 12 तारीख को हमारे सिलावत थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या की थी और मौके से फरार हो गया था, जिस पर से हमारे सिलावत थाने में 302 हत्या का अपराध पंजीबद्ध करके हमने आरोपी की तलाश के लिए अलग टीमें गठित की थी। साइबर टीम को भी सक्रिय किया था हमने। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर समिति की नई पहल। प्रोटोकॉल रसीद पर बारकोड टिकट सिस्टम किया शुरू। नई पहल से भगवान के दर्शन करना होगा आसान। थोड़ा प्रशासन को इसमें संशोधन करना चाहिए। ठीक है, प्रोटोकॉल के साथ उन्होंने शुल्क भी तय किया है, शुल्क भी लोग दे रहे हैं, पर फिर भी बहुत देरी लग रही है। इतनी सारी एंट्री हो जाती है कि लोगों को परेशानी बहुत हो रही है, तो थोड़ी एंट्रियों को कैसे कम कर सकते हैं। और ऑनलाइन कोतमा स्वास्थ्य केंद्र में 3 दिन की बच्ची को अस्पताल के गेट पर छोड़कर भागी मां। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन द्वारा की जा रही है बच्ची की देखभाल। गाड़रबारा में कल्चुरी समाज ने निकाली भगवान सहस्त्र बहु की शोभा यात्रा। झांकी लगाकर की पूजा अर्चना। कार्यक्रम के बाद बांटा गया प्रसाद। भिंड में 10वीं और 12वीं के छात्रों के सम्मान के लिए हुआ कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में 2 मंत्री हुए शामिल। छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। बांटने की राजनीति की, जाति में बांटने की राजनीति कांग्रेस ने की। कांग्रेस छोटे पन्ने के घटिया राजनीति को सर को आई है। मैं इतना ही कहूंगा कि मुरलीधर जी ने जो बयान दिया है उनका ऐसा बयान। गढ़चिरौली में मारे गए खूंखार नक्सलियों के शव बरामद। शव के साथ नक्सलियों के हथियार और अन्य सामग्री भी घटनास्थल से बरामद। रायपुर में हुक्का की होम डिलीवरी करते आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से 1.5 लाख रुपए के हुक्का हुए बरामद। आज ये रायगढ़ पहुंचा शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी और उनके बेटे का पार्थिव शरीर। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए नेता और कई लोग पहुंचे। रायगढ़ अंबिकापुर हेल्थ एसोसिएशन के संचालक से हुई ठगी की वारदात। फर्जी आयकर अधिकारी बनकर आरोपी ने 30 लाख रुपए की ठगी को दिया अंजाम। रायपुर में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल में बसों का संचालन शुरू। नए बस स्टैंड के शुरुआत से अब शहर की जनता को ट्रैफिक से भी मिलेगी निजात। आज मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि रायपुर शहर की जनता को ट्रैफिक से निजात मिलेगा। जो रायपुर की जनता 40-50% लोग ट्रैफिक से प्रभावित होते थे, आज उनको बहुत बड़ी निजात मिलेगी। मगर अब क्योंकि रायपुर में प्रतिबंधित नशीली दवाइयां बेचने वाले आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से कई नशीली दवाइयां की गई जब्त। मैं
ये पूरा मामला थानागंज के क्षेत्र के अंतर्गत था, जिसमें फापाड़ी चौक के आसपास में मुर्गी समारोह में सूचना मिली थी कि एक आरोपी जिसका नाम अब्दुल आदिल है, उसके पास कुछ मछली टैबलेट है जिस पर जाके उसे तलाशी की गई, जिससे उसके पास अल्प। रायगढ़ में धर्म परिवर्तन कराने का मामला आया सामने। एक परिवार का जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे थे पादरी, पुलिस ने दोनों पर दर्ज किया केस। बासुदा पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ, पूर्व विधायक और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निशंक जैन की बेटी के समारोह में हुए शामिल। तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचे छिंदवाड़ा, स्वयंसेवी और समाज सेवी संस्थाओं के कार्यक्रमों में की शिरकत। पिछले दौरे में आपने देखा था कितनी भारी संख्या में हमारे किसान भाई मेरी रैली में शामिल हुए। फर्टिलाइजर की कमी, मक्का का सही भाव नहीं मिलना, खाद बीज सही दामों के नहीं मिलना, काला बाजारी खुलेआम हो रही है। धार में तीन बदमाशों को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली सफलता। बदमाशों के पास से चार पिस्टल, 11 देशी कट्टे और कारतूस भी किए जब्त। आज धार पुलिस सभागृह में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें हमारी साइबर ब्रांच की, साइबर क्राइम ब्रांच की टीम और मनावर पुलिस संयुक्त कार्रवाई, जिसमें 11 बुलंदशहर में गुलाबटी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 14 डकैतों को किया गिरफ्तार, हथियार और वाहन भी किए जब्त। राष्ट्रीय जनजाति दिवस के अवसर पर जनजाति समाज द्वारा निकाला गया भव्य चल समारोह। लालबाग घोड़ा चौपाटी से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरा चल समारोह। कटी में एसईसी सीमेंट कंपनी के प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच बढ़ता जा रहा विवाद। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने कंपनी के प्रबंधन पर मनमानी करने का लगाया आरोप। कोई कुट रचित दस्तावेज के संबंध में गणेश राव जी ने आवेदन दिया था थाने में, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, इसके लिए उनके द्वारा माननीय न्यायालय में भी परिवाद पेश किया गया है। बड़वानी में शख्स ने बहरीमी से की पत्नी की हत्या, चरित्र शंका पर आरोपी ने दिया वारदात को अंजाम, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रितेश में 12 तारीख को हमारे सिलावत थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या की थी और मौके से फरार हो गया था, जिस पर से हमारे सिलावत थाने में 302 हत्या का अपराध पंजीबद्ध करके हमने आरोपी की तलाश के लिए अलग टीमें गठित की थी। साइबर टीम को भी सक्रिय किया था हमने। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर समिति की नई पहल, प्रोटोकॉल रसीद पर बारकोड टिकट सिस्टम किया शुरू। नई पहल से भगवान के दर्शन करना होगा आसान। थोड़ा प्रशासन को इसमें संशोधन करना चाहिए, ठीक है। प्रोटोकॉल के तहत उन्होंने शुल्क भी तय किया है, शुल्क भी लोग दे रहे हैं, पर फिर भी बहुत देरी लग रही है। इतनी सारी एंट्री हो जाती है कि लोगों को परेशानी बहुत हो रही है, तो थोड़ी एंट्रियों को कैसे कम कर सकते हैं। और ऑनलाइन कोतमा स्वास्थ्य केंद्र में 3 दिन की बच्ची को अस्पताल के गेट पर छोड़कर भागी मां, फिलहाल अस्पताल प्रबंधन द्वारा की जा रही है बच्ची की देखभाल। सूचना विभाग में जाना है अपने